पूरा देश को एक डायरेक्शन दिया है इस स्ट्रगल का, और अभी भी ये स्ट्रगल जारी रखा, और आप सबको जो यहाँ बैठे हुए हैं ये आप ही हमारा होप है, आपके बिना हम सब मोटिवेट नहीं होंगे, तो इसलिए आपको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। आज मैं यहाँ देवला जी का बात करते हुए एनआरसी के बारे में भी बात करेंगे। जोर से बोलिए। आज मैं यहाँ रोहित बेमला की डेथ एनआरसी पर और उसकी उसको सेलिब्रेट करने का, उसको रिमेंबर करने का अहमियत क्या है उसके बारे में बोलने के लिए आया हूँ। मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है एक्सप्लेन करना, समझाना, इसीलिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा सब्र रखिए क्योंकि भाषण देना मुझे नहीं आता। तो ये रोहित बेमला जी का डेथ को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? रोहित बेमला जी आपको पता ही है कि एक स्टूडेंट है, दलित स्टूडेंट है, जिसको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने हैरेस्ट किया, उस हैरेस्टमेंट के थ्रू उन्होंने अपना लाइफ को सुसाइड किया। बट सुसाइड करते करते उन्होंने एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी सबसे दुख बड़ी चीज़ यही है कि मेरी पूरी अकल, पूरा एक सिंगल आइडेंटिटी में रिड्यूस किया गया है। वही चीज़ ये एनआरसी और ये एनपीआर और ये जो सरकार, ये सब यही चीज़ करना, हम सबको एक ही चीज़ को रिड्यूस करने में लगा हुआ है। आप क्या दलित हैं, आप क्या मुसलमान हैं, आप क्या हिंदू हैं, आप उच्च कास्ट का हैं, इसी चीज़ को हमें लड़ना है। और हमें क्यों लड़ना है और संविधान को क्यों बचाना है? हाँ, संविधान से क्यों बचाना? बहुत से लोग कहते हैं संविधान बचाने से क्या मिलता है, मगर संविधान को मेरी नज़र में एक सामाजिक समझौता समझना है। एक सामाजिक समझौता है, इस समझौता में 40 साल आज़ादी मिलने से पहले जो लड़ाई थी, मुसलमानों ने लड़ाई की, दलितों ने लड़ाई की, हिंदुओं ने लड़ाई की, क्रिश्चियन ने लड़ाई, सब लोग ने इस आज़ादी के लिए लड़ाई की, और इन सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, सब लोगों ने अपने अपने हक की बात की, और इस हकों की एक समझौता ही हमारा संविधान है। अगर और इस समझौता को तोड़ने का, इस कंसेंसस को तोड़ने का ही इस एक्ट का, इस सरकार का और आरएसएस का मेन मकसद है। और तोड़ने के लिए इंसानों को एक मजहब और एक जाति और सब इस्तेमाल करते हुए तोड़ेंगे, इसीलिए हम जो लड़ाई अभी लड़ रहे हैं ये हमारी सामाजिक समझौता का लड़ाई है। जिस चीज़ हम जब इस देश में पैदा हुए हैं, हम जब इस देश में एंटर किए हैं इस तौर के लिए, हम एक समझौता के साथ एंटर किए हैं। हम दलित हैं तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, हम मुसलमान हैं तो हमें रिलीजियस प्रोटेक्शन मिलेगा, हम गरीब हैं तो हमें सोशलिज्म मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगा, हम वुमेन हैं तो जेंडर इक्वलिटी मिलेगा, ये सब वादा हमारा का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये देने के लिए हमारी सरकार और हमारी जो राजनीतिक पार्टियाँ देने से उनको दुख होता है, इसीलिए इस एक्ट के थ्रू ये कहते हैं कि आपको हम कुछ, आपसे हम कुछ नहीं छीन रहे हैं, हम जो है बाहर वालों को दे रहे हैं, एक सबसे बड़ी साजिश और जो कुछ नहीं है। अगर मैं किसी को 10 लोग खड़े हैं और उसमें से मैं 5 को अंदर बढ़ाता हूँ, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है मैं 5 को बाहर रख रहा हूँ, तो इंक्लूजन ऑटोमेटिकली मीन्स एक्सक्लूजन। तो इस तरह सिंपल सिंपल हम अंदर बुला रहे हैं, मगर अंदर बुलाना चाहिए, इसीलिए और हमारी संविधान इतनी सोची समझी, इतनी अच्छी संविधान है, हम ना सिर्फ अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम बाहर लोगों के साथ भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, और ये कह रहे हैं हम तो बाहर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अंदर वाले के साथ अगर एक बार हम बाहर वाले के साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे वो वही बाद में अंदर वाले के साथ शुरू करेंगे, इसीलिए हमें अभी इसको रोकना है। इसको रोकने से हम अपना देश को और सारे राज्य में रहने वाले को, इंक्लूडिंग आरएसएस वालों को हम बचा रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहे हैं,
अर्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ को पता नहीं वो कहाँ लेकर जा रहा है। जब हिटलर था, हिटलर को समर्थन में बहुत से लोग आए थे, गरीब लोग, औरतें, लड़कियां, सब लोग समझे। जब उसकी सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तब उनको पता चला कि हिटलर कहाँ लेकर जा रहा है। इसीलिए हमको समझ में आ रहा है कि ये जो सरकार कहाँ लेकर जा रहा है। यही चीज रोहित बिमला कहता है कि हमें अभी इस लड़ाई के थ्रू हमारा सिर्फ ये एक्ट और यही नहीं बदलना है, हमारा पूरा देश को बदलना है। और देश किस तरह चलती थी, किस तरह चलती थी, हमें तो एक 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 को एक को लेकर दूसरे को छोड़ना, दूसरे को लेकर इसको छोड़ना, तो बढ़ोड़ के जो लोगों को करते थे, इस तरह की राजनीति को हमें अपोज करना है। हमें मेरे से पहले जो स्पीकर गए हैं, हमें दलित को सपोर्ट करना है, हमें ट्राइबल्स को सपोर्ट करना है, हमें अपने आप को सपोर्ट करना है, हमें गरीब लोगों को सपोर्ट करना है, हमें अमीर लोगों को भी सपोर्ट करना है अगर वो सही तरीके से इंटीग्रेट होकर एक्ट को करना है। और रोहित बिमला ने देखा है और जो सपना मैं भी देखता हूँ, जो सपना शायद आपको भी देखना चाहिए कि इस देश में गरीब, मुसलमान, दलित, औरत, सब लोग एक नीति और एक न्याय की रास्ते में जाए। इसीलिए हमारी स्ट्रगल उसी के लिए है। इसीलिए मैं आप सबको एक बार फिर से मैं खत्म करने से मिल रहा हूँ, सबको अभिनंदन देता हूँ और रिपोर्ट को एक ऐसे जय दीजिए।